हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। तो कल से लगातार जो है स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ रहे हैं कि कईयों का जो फॉर्म है वो बिना रीजन के यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है। और एक स्टूडेंट ने मेरे को कॉल किया था कि उसके नंबर भी है लेकिन फिर भी उसको कहीं पे भी जो है मतलब कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है। तो क्या ये प्रॉब्लम एक्चुअली एक ही स्टूडेंट के साथ आ रही है या काफ़ी सारे स्टूडेंट ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? आज तो वैसे संडे है और मैंने आपको बोला था कि मुझे कहीं बाहर थोड़ा जाना है, उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। लेकिन लगातार इस चीज़ को लेके कॉल आ रहा है कि सर हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, कोई कारण भी नहीं बताया जा रहा है। तो बिल्कुल यार, ये बात तो कहीं ना कहीं गलत ही है, ऐसा कैसे हो सकता है? रीज़न तो उन्हें एटलीस्ट देना चाहिए कि भाई इस रीज़न से जो है यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है। तो मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये चीज़ जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट के साथ हो रही है। तो अगर आपके साथ ये एक्चुअली प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तभी हम आपकी कुछ हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, आज तो संडे, खैर आज तो आज आई थिंक कुछ हो नहीं पाएगा और कल शायद लास्ट डेट भी है ये फी पे का। आपके जिन जिन बच्चों के जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे चेक हो चुके हैं और जिनको पेमेंट का ऑप्शन आ गया है, उन लोगों को पेमेंट यहाँ पे कर देना है। जिन्होंने कोर्स जो है एलोकेशन को एक्सेप्ट किया था उनके बाद उनके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक हुए हैं और चेक होने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आ गया है, तो आप पेमेंट यहाँ पर कर दीजिए। लेकिन अब काफ़ी ऐसे स्टूडेंट बताए जा रहे हैं कि जिनका रिजेक्ट हो गया है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताओ कि आपका जो रिजेक्ट है फॉर्म वो क्या एक्चुअल में हुआ है और रीज़न बताया या फिर नहीं बताया आपके पास। आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है एक बार आप बताइए। आज तो नहीं लेकिन कल जो है अगर ज़्यादा ये बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है, हालांकि इन्होंने कट ऑफ भी नहीं निकाला तो ये भी चीज़ आई थिंक गलत ही है, क्योंकि यार कट ऑफ तो एटलीस्ट निकालना चाहिए। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी ने अपना कट ऑफ यहाँ पर निकाला है तो ड्यू को भी अपना कट ऑफ निकालना चाहिए ना, ताकि स्टूडेंट को पता तो चले कि जो है इतनी कट ऑफ गई है, होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट के माइंड में फिर ना एक्चुअली कई सारी चीज़ें आती है कि क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर देखता हूँ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को एनालिसिस करते हैं और फिर कल देखते हैं अगर आपकी जो भी हेल्प हो पाएगी, जो भी हम आपकी हेल्प कर पाएंगे ज़रूर यहाँ पर करेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं बाहर था लेकिन आप लोगों के इतने ज़्यादा कॉल और मैसेज आ रहे थे तो मैंने सोचा एक बार वीडियो बना के बाकी बच्चों से भी जान ली जाए कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप लोग प्लीज़ अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।